तो स्वागत है दोस्तों एक और नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग ईवी एप्लीकेशन पे विदाउट अकाउंट क्रिएट किए हुए कैसे इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि गाइस इस एप्लीकेशन पे बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही गाइस बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन से तक पहुंच सके। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपल से यहां पर मैं क्या करता हूं, ईबी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। देन ओपन होने का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का यहां पर शो हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहां पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहां से कट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डायरेक्टली जैसे आप लोग कट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहां से फिर से कुछ इस प्रकार का रीलोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ईबी एप्लीकेशन के होम पेज में एंटर कर चुके हैं। एंड गाइस उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैं ईबी एप्लीकेशन के होम पेज में एंटर कर चुका हूं। एंड उसके बाद यहां से मैं कोई भी प्रोडक्ट यहां से बाय कर सकता हूं विदाउट अकाउंट क्रिएट किए हुए। तो अगर आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर एक साइन इन का ऑप्शन दिया है, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ईमेल एंड यूजर नाम, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर अपना ओल्ड अकाउंट यहाँ पर रिकवर करने के लिए आपको अपना ईमेल या फिर यूजर नाम एंटर कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है ओल्ड। एंड अगर आप लोगों को अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर ईमेल एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो फॉर्म है फिलअप कर देता हूँ। देन उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है आपके साथ शेयर करता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करना है, यानी कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर चलिए मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। अब पासवर्ड इंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिर से रीलोडिंग रहना शुरू हो जाएगा। जब तक यहाँ रीलोडिंग नहीं रहा तब तक आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लोग अपना जो बायोमेट्रिक साइन इन करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को अगर अपना फिंगर लॉक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए यहाँ पर यस टर्न ऑन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस प्रकार का रीलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ईवी एप्लीकेशन के होम पेज में मैं एंटर कर चुका हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो ईवी एप्लीकेशन है पूरा का पूरा यहाँ पर फुल यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें। एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।